हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हजारों कपल्स ऐसे हैं जो वॉकिंग में हैं, महिला हो या पुरुष हो, और उनको प्रेगनेंसी भी कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। या फिर आप जल्द से जल्द प्रेगनेंसी तो कंसीव करना चाहते हैं, लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, और इस दौरान आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है कि अब मैं क्या करूँ, एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ मूव करूँ, या फिर मैं नेचुरली कंसीव करने के लिए और अधिक टाइम जो है वो लगा सकता हूँ या इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप फ्रेंड्स हेल्दी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, चाहे आपकी कंडीशन कैसी भी हो, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हर महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए केवल और केवल 12 से 24 घंटे का ही समय मिलता है, और ये 12 से 24 घंटों के अंदर उनका अंडा कब फूट रहा है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे से जो फॉलिकुलर होते हैं वो ओवरीज में ऑलरेडी रहते हैं महिला के, लेकिन वो मैच्योरिटी में 14 डेज कंप्लीट करने के बाद आते हैं पीरियड्स के, और जब वो मैच्योर्ड होता है तो वो फॉलिकुलर जो है वो पूरा मैच्योर्ड होने के बाद एक बहुत ही अच्छा जो परिपक्व अंडा होता है, जो मैच्योरिटी लिए हुए एग होता है, उसको रिलीज करता है। लेकिन इस एग की लाइफ बहुत कम होती है, 12 आवर या 24 आवर्स की ही होती है। तो ऐसी परिस्थिति में फ्रेंड्स, हर महिला को वो 24 घंटे ध्यान में रखना है, बर्बाद नहीं करना है। चाहे आप किसी भी एज में हो, चाहे आपकी कंडीशन कैसे भी हो, आप छुट्टी लेकर के प्रयास करते हैं, आप वर्किंग वूमेन हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं, एक बात का ध्यान रखिए कि 24 घंटे बहुत विशेष हैं आपके लिए, वो हर महीने आपके पास आते हैं। वो जो वक्त होता है वो आपके ओवुलेशन पीरियड का होता है, लेकिन ओवुलेशन से पहले, जस्ट पहले, बॉडी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन देती है, ऐसे साइन जिससे आप समझ जाएंगे कि अब मुझे रिलेशन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कंसीव करने के लिए, और ये मेरा बेस्ट और पिक टाइम है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो है उसका ध्यान रखिएगा कि बॉडी का एक बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है, हमारे बॉडी का एक ऐसा टेम्परेचर होता है जो लगभग हर दिन सामान्य रहता है, तभी हमारी बॉडी जो है वो बीमार नहीं पड़ती है। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार लग जाता है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन भी हो जाए तो भी वो अच्छा नहीं है, आपको ठंड लगने लगती है ना, तो एक जो एवरेज टेम्परेचर है वो बॉडी का ऑलवेज मेंटेन होता है। लेकिन जब एक महिला ओवुलेट करने वाली होती है, ऐसा उनके साथ नहीं होता है। रिसर्चेस ये बताते हैं कि डे वन अगर पीरियड का आपका आया है और उसी दिन से आप एक थर्मामीटर से अपने बॉडी का टेम्परेचर नोट करना स्टार्ट करेंगी, तो आप फील करेंगी कि जब आपका ओवुलेशन होने वाला होता है, वो मैक्सिमम 14 डेज से स्टार्ट होता है, तो उसके एक दिन पहले आपके बॉडी का टेम्परेचर आपको बहुत कम नजर आएगा, यानी हाफ डिग्री फ़ारेनहाइट या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की उसमें जो है आपको फ्लैक्चुएशन दिखाई देगी, वो कम हो जाएगा। लेकिन सडन जैसा आपका ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आप ओवुलेट करेंगी, वैसे ही दूसरे या तीसरे ही दिन आपकी बॉडी की टेम्परेचर वैसे ही हाफ डिग्री फ़ारेनहाइट या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, जो 14 डेज तक आप मेंटेन करती आ रही हैं, उसमें आपको फ्रेंड्स फ्लैक्चुएशन जो है बहुत इमिडिएट बेस पे दिखाई देने लगती है। तो ये पहला जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर ओवुलेशन के वक्त में बढ़ जाता है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि जब एक महिला ओवुलेट करती है, उसका अंडा निकलता है उसके अंडाशय से, ओवरी से, तो उस महिला का लिबिडो बहुत हाई होता है। नेचुरली कंसेप्शन की ओर आप अपने आप से, आपका माइंड जो है वो आकर्षित होता है, तो रिलेशन बनाने का मन उस समय ऑटोमेटिकली करने लगता है फीमेल्स का। तो ये जो बॉन्डिंग है, ये जो आपकी कनेक्टिंग है आपके ओवुलेशन से जुड़ी हुई, वो आपको 14 डेज के आसपास में दिखाई देने लगेगी। तीसरा और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है कि आपके लोअर एब्डोमिनल में, नाभि के नीचे आपको दर्द होता है। ये दर्द आपको माइल्ड सा होता है, ये दर्द बहुत ज़्यादा तेज नहीं होता है, लेकिन वो रह रहकर क्रैम्प्स के जैसा फील कराता है, बिकॉज जब एक रिलीज होता है आपकी ट्यूब में आता है तो थोड़ी बहुत सी क्रैम्पिंग होती है, ये पीरियड्स के जैसे ही होती है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं होती है, असहनीय पीड़ा नहीं होगी, माइल्ड माइल्ड सा, मीठा मीठा सा
पेन होता है। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट सर्वाइकल म्यूकस, इस समय फ्रेंड्स सर्वाइकल म्यूकस महिलाओं का बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, यानी डिस्चार्ज जो एक ट्रांसपेरेंसी सा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, कोई स्मेल नहीं होता है, वो आपको दिखाई देगा। आप इसको चेक भी कर सकती हैं अपने सर्विक्स की फिंगर टेस्टिंग से, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है फ्रेंड्स वो सावधानी बरतनी होती है और ये किसी डॉक्टर के गाइडेंस में होता है तो बेटर होता है। जैसे कई सारी फीमेल्स जो हैं वो अपनी फॉलिकुलर स्टडी कराती हैं, राइट, तो ये मेडिकल टर्म में ज़्यादा अच्छा होता है चेकअप करना। कई बार आपका सर्विक्स का पोजिशन जो है ओवुलेशन के वक्त में चेंज होता है, तो वो भी डॉक्टर फिंगर टेस्टिंग से पता लगा लेते हैं। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण लक्षण अगर महिला में फील होने लगे, 12 दिन से ही आप इन सारे सिम्टम्स को आप नोटिस करना स्टार्ट करिए, डेली अपने बॉडी का टेम्परेचर मापना स्टार्ट करिए विदाउट एनी ओवुलेशन किट। आप अपने मेजरेबल सिम्टम्स से ही समझ जाएंगे कि आपका एग निकलने वाला है और आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए इस वक्त में। आई रियली होप कि ये छोटे से वीडियो में आपको बहुत जल्दी कंसेप्शन की और ओवुलेशन के जो महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं, वो आप काफ़ी इजीली फील कर सकेंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी पाथ ना मिले, कोई भी सिम्टम्स फील ना हो, माइंड बिल्कुल ही न्यूट्रल हो जाए, समझ में कुछ भी ना आए, ओवुलेशन किट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको यूज़ करिए डे 10 से ही पीरियड्स के, क्योंकि इस दिन से ही आपके शरीर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो प्लेसमेंट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। ये लेवल इंक्रीज जितना ज़्यादा होता है वो ओवुलेशन के उतना ही करीब महिला पहुंचती है, वो आइडेंटिफाई ओवुलेशन किट ही कर पाती है। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत जल्दी सक्सेसफुली आप कंसीव कर सकेंगी। और भी आपके कोई डाउट है तो आप मुझे मेल या फिर मैसेज कर सकती हैं, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कर लीजिए। अगली बार फिर से मिलूंगी एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर दोस्तों, एंड thank you।